उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद आज शामली पहुंचे, जहां पर उन्होंने गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार एनकाउंटर के नाम पर माफियों की हत्या कर रही है। मध्य प्रदेश का आकाश गुर्जर, जो कि अग्निवीर भर्ती में शामिल होने आया था, उसे पुलिस ने मार दिया। मुख्यमंत्री के मिट्टी में मिला देने की बात करते हैं ब्रजभूमि अजय मिश्रा टेनी कुलदीप सेगर, इनको तो सरकार ने मिट्टी में नहीं मिलाया। 80 करोड़ गरीबों को राशन देने की बात करने वाले सरकार जनता के टैक्स से राशन दे रही है, मतलब हमारी बिल्ली हमी को म्याओ का काम कर रही है। चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। SC ST एक्ट में एक वर्ष में 56,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस पर मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। अगर उनके अंदर जरा भी नैतिकता है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश में हत्या जैसी घटना भी लगातार बढ़ रही है। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं आधी रात को भी जेवर पहनकर बाहर निकल सकती हैं, लेकिन यहां तो सरेआम हत्या हो रही है। सारा सी घटना में आपने देखा ही होगा कि सरकार जानवरों से प्यार करने वालों से नफरत करने का काम करती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं। ब्रजभूमि को भी इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि जांच अच्छे से हो सके। उत्तर प्रदेश में माफियों की हत्या का समर्थन चंद्रशेखर आजाद ने किया है। योगी के मिट्टी में मिला देने वाले बयान पर आजाद ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह, चिन्मयान स्वामी, अजय मिश्रा टेनी और कुलदीप सेगर को तो मिट्टी में नहीं मिलाया। अगर मुकदमे किसी और पर दर्ज होते हैं तो अब तक मिट्टी में मिल गया होता, लेकिन इनको योगी सरकार ने मिट्टी में नहीं मिलाया। यह सरकार तानाशाही सरकार है, यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी। यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दो, सरकार बदलती रहती है। बीजेपी को प्यार पसंद ही नहीं। योगी गरीबों को राशन देने की बात करते हैं, मुख्यमंत्री कौन होते हैं गरीबों को राशन देने वाले? जनता टैक्स देती है, टैक्स से ही 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया है। वहीं अब की बार भी हमारा गठबंधन मैदान में है और जीत भी हासिल करेगा, साथ ही इस बार भी गठबंधन सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा। सरकार बात ना करें, वकील के सामने 56,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए इस साल SC ST के साथ इसी सरकार में। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर सबकी सरकार होती तो सबके बारे में सोचती। जो सरकार पहले से तय करके बैठी होगी ये हमारा और ये हमारा नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी से सवाल करें, मुख्यमंत्री जी अभी आए थे शामली में और वो बोल करके गए हैं कि यूपी में ना दंगा ना कर्फ्यू, सब कुछ चंगा है यूपी में। तो अच्छा, कह तो कोई कुछ भी सकता है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति आजादी, कौन किसे रोक देगा। मगर मुझे ये बताओ कि उन्होंने बताया कि वो कितने बच्चों को रोजगार दिया उन्होंने शामली में? कैराना प्लान का जिक्र किया उन्होंने, अब किस उसी का जिक्र करेंगे ना जिससे उनका एजेंडा सेट हो जाए। कितने बच्चों के, कितने माओं के आंसू पूछे उन्होंने, बताया उन्होंने? चुनाव के समय राशन देके लोगों की वोट लौटने का काम करते हैं, उसके बाद चुनाव के बाद फिर कौन पूछेगा? गरीबों को राशन देना गलत है, कौन मना कर रहा है? ये तो अधिकार है, संविधान ने दिया। मुख्यमंत्री कौन होते देने वाले? टैक्स नहीं देते गरीब, हमारा पैसा लेके हम ही को वापस करके और हमारी बिल्ली हमें मियाँ, क्या बात बताई आपने? चंद्रशेखर जी, विधानसभा हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान की गारंटी देता है संविधान, पढ़िए तो सही। तो मुख्यमंत्री कौन है देने वाले? टैक्स का बजट क्या है? जनता जो पैसा देती है, टैक्स देती है, वही तो बजट है। हमारे जनता से लिए हुए पैसे को और जनता को दे देना कौन सा बड़ा काम है? उसमें से भी रख ले रहे हो। वो तो कहते हैं हमने 80 करोड़ को राशन दिया कोरोना काल में भी। उनके प्रवक्ता थोड़ा ही हो जो ऐसे कह रहे हो, वो कहते हैं बयान सामने याद रख रहे हो, बयान सामने आए उनके। उनके बयानों पे ध्यान मत दो, जनता के बयानों पे ध्यान दो। आप ये देखो, बताओ क्या कानून व्यवस्था। चंद्रशेखर जी, एक लास्ट सवाल मेरा, आपने कहा था समाजवादी पार्टी दलित वोट लेना चाहती है, दलित विरोधी है, आपको क्या लगता है क्या इस बार समाजवादी? आपको ये बात याद है नहीं है? मैंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में दलितों का के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका जवाब हम देंगे। चाहिए कि आपको रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पर इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच होने देने चाहिए। लेकिन देखिए, भारत में कानून में असमानता कैसे होगी? संविधान तो कानून सबके लिए बराबर की बात करता। यही मुकदमा अगर ब्रजभूषण सिंह की जगह किसी और पे होता तो आप बताइए उसका घर मिट्टी मिलता नहीं मिलता उत्तर प्रदेश में? उसे भी छोड़िए, क्या वो आदमी गिरफ्तार होता नहीं होता आप बताइए पोस्को के मुकदमे में? लेकिन अभी तक भी नहीं हुआ। तो ताकतवर लोग कानून से खिलवाड़ करते हैं, यही सरकार ने सिखाया जनता को। जनता में बहुत गुस्सा है। आप मेरी अखिलेश जी की तमाम लोगों की छोड़िए, हमारा गठबंधन जीतेगा। आप बस निष्पक्ष होकर खबर दिखाते रहिए।